Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Union Minister for Science and Technology and Vice President CSIR, and Chief Guest of this Youth Conclave, other dignitaries, Shri Rajinder Sharma Ji, Honorable Mayor, Jammu, Shri Bharat Bhushan Ji, Honorable Chairman, District Development Council, Jammu, and off the dais, the young brain of Jammu region, young achievers, young students, startups, innovators, my colleagues, and media person. Good afternoon, namaskar, adab. Today is a great day for CSIR Triple M Jammu. We, as institute, has an endeavor to promote startup and entrepreneur ecosystem in the region under the able guidance of Honorable Union Minister. We started 3 incubators, and today this youth conclave is part of that endeavor. We are organizing this event. धन्यवाद। एक तो आपको ये भी करना है जो आपने चंद्रयान के लिए इतनी बधाई दी। अब इतने सारे आपने मेरे विभाग गिनवाए, लेकिन जब से वो चंद्रयान हुआ है तो लोग मुझे मिनिस्टर ऑफ स्पेस कहते हैं, एज इफ आई एम नॉट वर्किंग इन एनी अदर डिपार्टमेंट। और यही जब यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री आए ऋषि सुनक जी, तो उन्होंने भी इंटरव्यू को भी इंट्रोड्यूस इसी तरह से करवाया गया। हालांकि हमारे दूसरे विभाग बड़े हैं, लेकिन इसमें 2-3 बातें जो हमें समझनी है। ये चंद्रयान का इतना ज्यादा उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहां प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काम करने का मादा भी था, परिश्रम करने की जिद भी थी, जुनून भी था, आंखों में सपने भी थे, लेकिन हमारे पास उस प्रकार का अनुकूल वातावरण नहीं था। अगर आप पुराने चित्र देखें तो सारा भाई जिन्होंने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था अंतरिक्ष पर, साधनों का इतना अभाव था कि साइकिल के ऊपर कैरेज में लॉन्चर उठा के ले जाते थे। लेकिन जब माहौल खुला, और ये बात इसलिए समझनी जरूरी है कि वही फिजा, वही अधिकारी, वही वैज्ञानिक, तो फिर बदला क्या है? अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते और इसका अक्सर जिक्र नहीं होता, और कोई समझाने की कोशिश ना करे तो हमारे ध्यान में आती नहीं। अभाव था तो नीति निर्धारित करने वालों का, अभाव था तो इस तरह के नेतृत्व का जो उस प्रकार का अनुकूल वातावरण दे सके जहां अपनी प्रतिभा को उजागर होने का पूरा अवसर मिले। और यदि आप अंतरिक्ष की बात करें तो सन 2020 में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विभाग को आम जनता के लिए खोल दिया गया। उससे पहले गोपनीयता के पर्दे में काम करते थे। सन 2014 में जब पहली बार मैं एक लॉन्चिंग देखने गया तो डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनको हमने बाद में चांसलर बनाया, यहां से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हमारे मित्र भी थे, वो मुझे ले गए रात को, बोले आई टेक यू टू दी लॉन्चिंग साइट वेयर इवन माई साइंटिस्ट आर प्रोहिबिटेड। रात के 12:30 बजे, जो 4:30 बजे लॉन्चिंग थी PSLV की, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राधा, आई हैव मेड अ प्रिंसिपल फॉर माई सेल्फ टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे, व्हाट आई लर्न टुडे इज टू रीच हियर यू हैव टू बी एज एमिनेंट अ साइंटिस्ट एज यू आर, समहाउ मैनेज टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन जिन लोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए वो जरूरी है, उनको क्यों नहीं? और ये निर्णय लिया प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार प्रकट करते हैं। ये चंद्रयान संभव ना होता, ये आदित्य संभव ना होता, ये जो उत्सव इस वक्त विश्व बना रहा है अंतरिक्ष को लेकर, ये संभव ना होता यदि प्रधानमंत्री जी ने श्री हरिकोटा के किवाड़, उसके दरवाजे खोल ना दिए होते।
डायरेक्टर CISR और आप सब महानुभाव और स्कूल से आए हुए बच्चे और स्टार्टअप जिन्होंने टेकअप किया है और यहां एग्जीबिशन लगाई है, वो सब एंटरप्रेन्योर्स, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा और ये पूरे जम्मू के लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए एक गर्व की बात है कि जो चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है वो डिपार्टमेंट डॉक्टर साहब ही देख रहे थे और इसलिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और इन्होंने जम्मू कश्मीर की शान बढ़ाई है। और जैसा मैं शुरू से कहता आया हूं कि स्ट्रांग लीडरशिप बिल्ड्स स्ट्रांग नेशन। Now we'd like to call on stage Ajay Singh from Sports Field, Kishtwar. Call on stage engineer Shubham Kotwar. Now we'd like to call on stage Mayank Sharma in Sports Field. He's from Kathua. Mayank Sharma is the fencer from Jammu. और उसके बाद स्टेज पे बुलाना चाहूँ। Congratulations to you. Finally, my sincere thanks goes to media for covering the event. All my senior officers, employees, students, youth participants, and the volunteers from CSIR IIIM for making the necessary arrangements and conducting this event. Thank you so much to all.